तो हमने कुछ रूम इस तरह से मिलता है, रूम पे पहुंच जाते हैं और वहां जाके हम सुबह सो ही जाते हैं और सीधा शाम को उठते हैं अराउंड 4 या 5 बजे, तो मिलते हैं रूम पे सीधा डायरेक्ट। तो 5 घंटे के नींद के बाद मुखड़ा कुछ हमारा ऐसा दिखता है, मुंह सूजा सूजा हुआ है और गले की आवाज़ तो ऐसे क्या बताऊँ, भरी भरी सी लग रही है। बट हम आ गए हैं गोवा, तो बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। और हमारे भाई लोग सब सोए हुए हैं। हर्षिल अभी जगा हुआ था। हर्षिल कैसी नींद आई भाई? बहुत अच्छी ना? और ये हमारे पुराने साथी जो एकदम गधे की तरह सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाई, बहुत सो रहे हो तुम लोग। वाह, इसका फीलिंग कुछ अलग है भाई। ये पोचू कैम नहीं है ये। तो नहीं ऊपर आने। अभी तो एनर्जी थोड़ी वीक है, लेकिन पूल में जाके नहाते हैं, देन उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि अभी सो के उठा हूँ। और आपको मैं द बॉयज ट्रिप का अभी पसारा दिखाता हूँ कि भाई कितना पसारा होता है जब अपन ट्रैवल करते हैं। तो स्टार्टिंग मेरे से ही करता हूँ, मेरा कितना सामान है यहाँ पे। तो ये अपन का ही सामान है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर इधर इधर, सब इधर मेरा ही सामान है। और दूसरी तरफ आए तो भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, और यहाँ पे जहाँ देखो ना वहाँ सब कुछ भरा पड़ा है। यहाँ पे हम टोटल 5 जन हैं, तो उसके हिसाब से सामान भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे पूल भी है, वो नीचे पूल दिख रहा है ना, अपन वहीं पे नहाने जाने वाले हैं, मजा करेंगे। तो बॉयज ट्रिप में हम टोटली 5 लोग हैं, एक मैं और हर्षिल, आयुष, मयंक, एमजी, इसको तो पहचानते ही होंगे आप लोग। गोवा का मजा लेने के लिए सब तैयार है भाई लोग? हाउ सो जोन यस, बहुत मजा लेंगे हम पूरा वीक, ठीक है। अब पूल में नहाने जाते हैं और शाम को पार्टी करने भी जाएंगे। गोवा की लाइफ दिखाएंगे आपको कि भाई गोवा कैसा है नाइट में और डे में। डे में तो पता नहीं कैसा है, शायद जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन नाइट लाइफ आपको जरूर दिखाएंगे गोवा की, पक्का ना भाई? कौन कौन रेडी है मेरे साथ आने के लिए नाइट में? तो अब जाते हैं पूल में नहाने के लिए। सब बॉयज अब रेडी हो चुके हैं पूल में जाने के लिए, GoPro भी सेटअप रेडी है, तो चलते हैं पूल में, ठीक है। पूल पे मिलता हूँ। एंड रूम मैंने आपको दिखाया नहीं, दिखाया मेरे को याद नहीं है, रूम की प्राइस और कहाँ पे लोकेशन सब कुछ मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपको आना हुआ तो काम आएगा, कितना भाड़ा लगता है वो भी बाद में बता दूंगा, और कितने दिन के लिए बुक है वो भी बाद में शेयर कर दूंगा। फिलहाल तो पूल में जाते हैं, देन वहाँ पे नहाते हैं। तैरना आता नहीं है, वो भी मेरे को सीखना है, तो वो आयुष मेरे को सिखाएगा भाई। सिखाएगा ना? हाँ बिल्कुल, ये अपन को सिखाएगा कि भाई स्विमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अपन को तो आता ही नहीं है। तो चलो मिलते हैं बॉयज, आर यू रेडी फॉर स्विमिंग? चलो चलो। और ये रूम
पूल में भी मजा आ गया, इन लोगों ने बड़ी मजा ले ली है, बट मैंने थोड़ा कम मजा लिया। तो आपने देखा भाई, फिलहाल गोवा में बहुत सारी बारिश हो रही है, हम आए और बारिश शुरू हो गई, और रास्ते में बारिश लगी थी वो भी शायद मैंने क्लिप डाल दी होगी, आपने देख लिया होगा मे भी। अभी बाहर जा रहे हैं और बाइक हमने यहाँ पे पार्क की है, अभी दिखाता हूँ बाइक कहाँ पे हमारी। निकालेंगे यहाँ से बाइक।